चलो गाइस अपने अपने रीमेक्स में जाते हैं। सबसे पहले मैं जाती हूँ, मे। वाओ आई लुक सो ब्यूटीफुल। ओके अब मेरी यानी रेड की बारी। वाओ आई लुक सो कूल। मैं हूँ डॉन और मेरा रीमेक सबसे अच्छा होगा। वेट व्हाट। सो यार जब हम लोग पोकी गर्ल्स की बात करते हैं तो एक नाम हमेशा हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है और वो नाम है डॉन। सो क्या आप जानते हो डॉन ने आज तक एनिमे में जितने भी कपड़े पहने उन सबको उसने खुद से डिज़ाइन किया है। एंड क्या आप जानते हो डॉन का असली स्टार्टर पोकेमॉन पिपलप है ही नहीं। सो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो एंड तक देखना, टाइटल 15 अननोन फैक्ट्स अबाउट डॉन। नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है डॉन का असली स्टार्टर पोकेमॉन पिपलप है ही नहीं। आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो कभी भी स्टार्टर पोकेमॉन को सिर्फ एक जगह से नहीं लिया जाता, खासकर एनिमे से तो कभी नहीं। एंड इसी तरह देखें तो पोकेमॉन कंपनी खुद कंफ्यूज है कि डॉन का असली स्टार्टर पोकेमॉन कौन है। जैसे रेड का स्टार्टर पोकेमॉन आपने एनिमे में देखा होगा चार्मेंडर, बट ऐसा सच नहीं है क्योंकि रेड का ओरिजिनल स्टार्टर था पोलीवर्ल्ड एंड और ज़्यादा केस में बल्बसॉर। उसी तरह पोकेमॉन कंपनी खुद कंफ्यूज है कि डॉन का असली स्टार्टर कौन है, क्योंकि हमें एनिमे में डॉन के पास एक पिपलप दिखाया गया, जबकि पोकेमॉन मास्टर्स जिस गेम में सबको सबके ओरिजिनल स्टार्टर पोकेमॉन दिया जाता है उसमें डॉन को एक टर्टविक दिया गया। एंड फिर एक ऑफिशियल पोस्टर जो पोकेमॉन कंपनी ने खुद लॉन्च किया था उसमें डॉन को इन्फर्नेप दिया गया। सो आपको क्या लगता है डॉन पे सबसे ज़्यादा सूट कौन करता है? मैं ऑफकोर्स पिपलप को मानता हूँ क्योंकि उसी को हमने सबसे ज़्यादा डॉन के साथ देखा है। नो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्ट। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है डॉन और ऐश को हमेशा से बेस्ट फ्रेंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि डॉन और ऐश में सबसे अच्छा बॉन्ड और सबसे ज़्यादा उन दोनों ने एक दूसरे को मोटिवेशन दिया है, ना कि सिर्फ बकवास की बातें की हैं जैसे बाकी पोकी गर्ल्स करती हैं। जस्ट लाइक दोनों एक दूसरे को मोटिवेशन देते ही रहते हैं और डॉन ने ऐश को काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई हैं जैसे आइस एक्वाजेट एंड काउंटर शील्ड, जिनने ऐश को सिनो लीग यानी कि पॉल की बैटल में भी बहुत मदद की। और सबसे बड़ी बात, डॉन ही एक ऐसी पोकी गर्ल है जो ऐश के साथ सबसे ज़्यादा फिजिकल कॉन्टैक्ट में आई है, यानी कि उन लोग का हाई फाई तो आप लोग जानते ही होंगे कितना ऑसम लगता है और कितना फ्रीक्वेंटली होता है। एंड इसीलिए चाहे उन लोग में कोई शिपिंग हो या ना हो बट दोनों की बॉन्डिंग बेस्ट है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्ट। क्या आपको पता है कि डॉन ही एक ऐसी पोके गर्ल है जिसने अब तक की सबसे ज़्यादा ऑफिशियल बैटल्स लड़ी हैं, यानी कि डॉन लड़ चुकी है आज तक दो जिम लीडर से जो हैं मेलिन और साइलेन, और वो लड़ चुकी है एक एलीट फोर मेंबर से लिटरली लूशियन से। सो या ये काफ़ी अमेजिंग बात और साथ ही साथ एक अमेजिंग फैक्ट है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्ट। क्या आपको पता है कि डॉन के पास एक ऐसी एबिलिटी है जो आज तक किसी पोके गर्ल के पास नहीं है, जो है डॉन किसी भी पोकेमोन के इमोशंस एंड फीलिंग्स उन्हें देख या छू के ही समझ सकती है। एंड दिस इज द ओनली रीजन कि बाय डॉन को अपने सफर की शुरुआत में ही मेस्प्रेट पोकेमोन दिख गया था, क्योंकि मेस्प्रेट इज द बीइंग ऑफ इमोशन। सो ये काफ़ी अमेजिंग बात है कि डॉन के पास एक ऐसी एबिलिटी है जो आज तक किसी भी और कैरेक्टर के पास नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्ट। क्या आपको पता है डॉन आज तक जितने भी कपड़े पहनती है अलग अलग डिज़ाइन के या कॉन्टेस्ट में या कहीं भी, वो एक एक कपड़े डॉन खुद से डिज़ाइन करती है, यानी कि एक साइड से देखा जाए तो वो फैशन डिज़ाइनर भी है, क्योंकि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसके कपड़े कितने ऑसम होते हैं। एंड सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि उसके पोकेमॉन्स भी जो छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं उन सबको भी डॉन खुद से ही डिज़ाइन करती है, जो एक काफ़ी अमेजिंग बात है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्ट। ये तो आपको पता ही होगा कि मिस्टी और मे की तरह डॉन की भी साइकिल पिकाचू ने उड़ा दी थी। एंड आपको होगी इसमें फैक्ट क्या है, ये तो सबको पता है, बट फैक्ट ये है कि डॉन ही एक ऐसी पोकी गर्ल थी जिसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसकी पूरी साइकिल फट चुकी है, और उसने ना तो पिकाचू को कुछ कहा ना ऐश को, बल्कि उसको फिक्र ये थी कि पिकाचू सही है कि नहीं, जिससे हमें पता चलता है कि बाकियों के कंपैरिजन में वो कितनी काइंड हार्टेड है या कुछ ज़्यादा ही अमीर है। बाय द वे आई विश इस इमेज में पिकाचू की जगह मैं होता। इट्स पॉसिबल कि ये वाला फैक्ट काफी सारे लोग को पता हो, बट जिन्हें नहीं पता हो इन्हें बता दूं। आप लोगों को तो पता ही होगा कि डॉन को उसके फ्रेंड्स डीडी कह के चिढ़ाते हैं। सो क्या आपको पता है उसे प्लस एंड माइनस से डर क्यों लगता है, और डीडी का फुल फॉर्म क्या है?
सो देखो यार, जब डॉन बहुत छोटी थी तब उसने प्लसल एंड माइनन को अपने प्ले ग्रुप के स्कूल में पकड़ा था, जहाँ पर उसके दो फ्रेंड्स भी मौजूद थे जिनमें से एक था केनी। एंड तभी प्लसल एंड माइनन ने उसको थंडर शॉक दे दिया, जिसकी वजह से उसके जो बाल थे वो चमकने लगे, वो भी डायमंड की तरह। तभी से उसके क्लास वालों ने उसको नाम दे दिया डायमंड डैंड्रफ, जिसको शॉर्ट में डीडी कर दिया गया। एंड तब से उसके फ्रेंड्स उसको डीडी करके चिढ़ा रहे हैं। क्या मस्त ओरिजिन था यार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्ट। क्या आपको पता है जितने मेन राइवल्स आज 6 रीजन में बना पाया? सो ध्यान से सुनना, मेन राइवल्स, उतने ही मेन राइवल्स डॉन ने एक ही सीजन में बना लिए। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो ऑफकोर्स थी जोई। एंड जोई और डॉन के रिलेशन के बारे में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको आगे वीडियो में पता चलने वाला है। क्या आपको पता है कि डॉन ही आज तक की सिर्फ एक ऐसी लौती मेन कैरेक्टर है जिसका आई एंड हेयर कलर सेम हो, जो दोनों है डार्क ब्लू। एंड इसी बात पे एक बोनस फैक्ट भी सुन लो, डॉन ही एक ऐसी पोकी गर्ल थी जिसपे सबसे पहले सुगोमोरी आइज का कंसेप्ट यूज किया गया था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्ट। ये वाला फैक्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो रिलेटेड है डॉन एंड जोई से। सो देखो यार, डॉन का जापनीज नेम है हिकारी, वहीं पर जोई का जापनीज नेम है नोजोमी। एंड क्या आपको पता है इन दोनों नेम्स का असली ओरिजिन क्या है? इनका ओरिजिन है जापान में चलने वाली दो ट्रेन्स, जिनमें से पहली ट्रेन का नाम है हिकारी और दूसरी का नोजोमी। एंड इसी तरह जो नोजोमी ट्रेन है वो हिकारी ट्रेन से थोड़ी सी ज्यादा तेज मानी जाती है। एंड यही वजह थी कि एनिमे में हमें हमेशा जोई को डॉन से दो कदम आगे दिखाया जाता है। एंड लास्ट कॉन्टेस्ट में भी जोई वर्सेस डॉन में, मुझे इतने अच्छे से तो नहीं याद, बट शायद जोई सिर्फ एक पॉइंट से डॉन से जीत जाती है। इसीलिए इन लोग का नेम ओरिजिन मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। एटलीस्ट यहाँ पर सबका नाम पेड़ पे तो नहीं रख दिया गया। क्या आपको पता है सारी पोकी गर्ल्स से कम्पेयर्ड डॉन सबसे ज़्यादा पोकी गर्ल्स को जानती या ऑलमोस्ट सभी से मिल भी चुकी है? यानी कि डॉन जानती है मिस्टी को, मिल चुकी है मे से, एंड यूनोवा एनिमे में वो मिल चुकी है आयरिस से, एंड देन रिसेंटली पोकेमॉन जर्नीस में वो मिल चुकी है कोहारू से। ये काफ़ी अमेजिंग फैक्ट है और ये मुझे कहीं मिला नहीं। ये वाला फैक्ट मैंने पूरा खुद से ही ढूंढा है, मतलब ढूंढा क्या, खुद ही से बनाया है, बट ये सच है। एंड मिस्टी भी एक साथ 3 पोकी गर्ल से मिल चुकी है अलोला में, बट वो केस ही अलग है। अब वो अलग बात है, ओरिजिनल पोकी गर्ल ऑफ अलोला में लेनी को मानता हूँ। अब इतने फैक्ट जान लिए तो डॉन के सारे नाम जान लेते हैं। जापनीज में डॉन का नाम है हिकारी, इंग्लिश में डॉन, फ्रेंच में ऑरोरे, जर्मन में लूशिया, इटालियन में लूसिंडा एंड स्पैनिश में माया, कोरियन में ना बित ना, चाइनीज में श्याओ ग्वेंग, कैंटोनीज चाइनीज में ग्वांगी, रशियन में डॉन मतलब कि DON डॉन, एंड थाई में भी कारी, एंड टर्किश में डॉन, एंड हिंदी में तो आप सबको पता है प्यारी सी डॉन। ओ भाई, नाम बोलते बोलते हालत ख़राब हो गई। अबे ग्वांगशी भी क्या कोई नाम होता है क्या बे? क्या आपको पता है डॉन की विप्लव कभी इवॉल्व क्यों नहीं हुई? अगर आपने मेरी 15 अननोन फैक्ट्स अबाउट पोकेमॉन वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, बट अगर नहीं देखी तो खुद सुन लो। डॉन की विप्लव इवॉल्व नहीं होना चाहती, हमें एनिमे में ऐसा दिखाया गया था, बट ट्रूथ कुछ और ही है। पोकेमॉन के राइटर से एक स्पीच के टाइम जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि डॉन की विप्लव कभी इवॉल्व क्यों नहीं हुई, तब उनने खुद से इसका क्लियर आंसर दिया और उन्होंने साफ साफ कहा कि इसलिए नहीं हुई क्योंकि प्रिंप्लप एक बहुत ही अगली पोकेमॉन हो जाता है डॉन जैसी सुंदर लड़की के लिए एंड उसके कॉन्टेस्ट के लिए भी। अब उनने एम्पोलियन के बारे में तो कुछ नहीं बताया, बट उनका बस यही कहना था कि प्रिंप्लप डॉन पे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था और इसीलिए हमने कभी भी प्रिंप्लप को इवॉल्व नहीं किया। हाँ, कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, प्रिंप्लप डॉन जैसी पोकी गर्ल के लिए बहुत बेकार होता, इसलिए अच्छा ही हुआ कि वो इवॉल्व नहीं हुई। पर आपको क्या लगता है, डॉन की विप्लव को इवॉल्व होना चाहिए था? आई डोंट नो। फैक्ट नंबर 1, ये तो आपको पता ही होगा कि डॉन और आश की शिपिंग को पर्ल शिपिंग बोला जाता है, बट क्या आपको पता है इसे पर्ल शिपिंग क्यों बोला जाता है? इसका रीजन है पोकेमॉन पर्ल गेम। पोकेमॉन पर्ल गेम की वजह से इसे पर्ल शिपिंग बोला जाता है, बट क्या आपको पता है इसका असली नाम डायमंड शिपिंग होने वाला था, क्योंकि पोकेमॉन डायमंड ज़्यादा पॉपुलर था, बट फिर फैंस ने सोचा कि पोकेमॉन डायमंड ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हो रहा है, सब उसी को ले रहे हैं, इसलिए थोड़ी अटेंशन पोकेमॉन पर्ल को भी दे देते हैं। मतलब लिटरली अगर ऐसा नहीं होता तो आज हम लोग ऐश और डॉन की शिपिंग को डायमंड शिपिंग बुला रहे होते।
और एक और रीज़न था कि डायमंड शिपिंग ऑलरेडी नाम दे दिया गया था ऐश के मॉम यानी कि डीलिया और जियोवानी की शिपिंग को। इसलिए अगर अभी आप गूगल पर डायमंड शिपिंग सर्च करोगे तो आपको ऐश की मॉम और जियोवानी की शिपिंग देखने को मिलेगी। एंड आई थिंक इट्स टाइम टू एंड द वीडियो। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाजू वाला घंटा भी दबा देना। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता आप सब्सक्राइब बटन पे फ्लेम थ्रोवर करो या थंडरबोल्ट, बस दब जाना चाहिए। वीडियो को जरूर से लाइक भी कर देना क्योंकि उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और ज़्यादा वीडियोज बनाने के लिए। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना मेरे चैनल से अपडेटेड रहने के लिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।